सभी लोगों को जो कि देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, उनको अरेस्ट कराएंगे। सिर्फ FIR कराने से काम नहीं होता, सही धाराओं में अरेस्ट कराना पड़ेगा। आतंकवाद के मुकदमे दर्ज कराने पड़ेंगे इनके खिलाफ, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत को ख़त्म करके कोई दूसरा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। तो ये हाईएस्ट लेवल पे देशद्रोह करने वाले लोग बैठे हैं आज, ये इस बात का सबूत है। होम मिनिस्टर कौन है इस देश का, किसकी जिम्मेदारी है कि भारत जो संविधान के माध्यम से चलता है, जो भारत का संविधान है, उसके खिलाफ कोई भी जाए तो किसकी जिम्मेदारी? सबूत है कि अमित शाह साहब की पुष्ट पनाही पे और उनकी इजाज़त से ही ये सब काम हो रहे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन से ये सब काम हो रहे हैं। RSS और BJP की कोऑर्डिनेशन से उनकी कोई अलग अलग टीमें अलग अलग काम करती हैं। ये वही लोग करा रहे हैं जो सरकार में बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, वो उन्हीं के गैंग्स तो हैं ये जो इलीगल काम कर रहे हैं, वो काम करा रहे हैं। जो अमित शाह साहब बैठे हैं उन्हीं के लोग तो हैं जो ये उनके इशारे पर ये सब काम कर रहे हैं। तो जब वही लोग मिले हुए हैं, वही लोग ये सब काम करवा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो देश की जनता को ही। अरुण वाल्मीकि का केस है, उसमें पुलिस ने उसको ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे में बंद किया, उसकी कोई गलती नहीं थी, और उसको मार भी दिया और उसके ऊपर झूठा मुकदमा भी, चोरी का लगाने की कोशिश की। मामला दो दिन से काफ़ी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एक दिल्ली का चौहान के का एक प्रोग्राम था जिसमें वो शपथ दिलाता हुआ नज़र आ रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और दूसरा धर्म संसद 3 दिन का हरिद्वार में जो चला, उसको लेकर लोगों के अंदर बेचैनी है। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है कि इसमें FIR होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन अभी तक FIR की गई है सिर्फ एक शख्स के खिलाफ, और उसमें बाकी अन्य पब्लिक डोमेन में सारे वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्शन नहीं। ये तो हम बता ही रहे ना आपको कि ये हाईएस्ट लेवल पे देशद्रोह करने वाले लोग बैठे हैं आज, ये इस बात का सबूत है। होम मिनिस्टर कौन है इस देश का, किसकी जिम्मेदारी है कि भारत जो संविधान के माध्यम से चलता है, जो भारत का संविधान है, उसके खिलाफ कोई भी जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह साहब की है ना, होम मिनिस्टर हैं वो देश के, तो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। और इस बात का साफ सबूत यह है कि वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, NIA को डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं कि इन लोगों को अरेस्ट करें। तो इसका साफ सबूत है कि अमित शाह साहब की पुष्ट पनाही पे और उनकी इजाज़त से ही ये सब काम हो रहे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन से ये सब काम हो रहे हैं। RSS और BJP की कोऑर्डिनेशन से उनकी कोई अलग अलग टीमें अलग अलग काम करती हैं। ये वही लोग करा रहे हैं जो सरकार में बैठे हैं, तो इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये बीड़ा भी हम उठा रहे हैं अब, और हम इन सभी लोगों को जो कि देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, उनको अरेस्ट कराएंगे। सिर्फ FIR कराने से काम नहीं होता, सही धाराओं में अरेस्ट कराना पड़ेगा। आतंकवाद के मुकदमे दर्ज कराने पड़ेंगे इनके खिलाफ, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत को ख़त्म करके कोई दूसरा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो ये देशद्रोही हैं, ये उसके मुकदमे इनके खिलाफ हम कराएंगे दर्ज। इसके अलावा आम जनता से या मुस्लिम तंजीमों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो इंडिविजुअली तौर पर भी अपने तौर पर जगह जगह पर FIR दर्ज कराएं ताकि कानूनी अड़चनें आएँ इसमें? देखिए, मुस्लिम तंजीमों से, और मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो हमारे नेता हैं उनसे यही कहूँगा कि वो एक तो बुजदिली छोड़ें, आगे बढ़ें। उनका जो समाज है SC ST और माइनॉरिटीज़ का और OBCs का, वो बहुत बहादुर है। जो लीडरशिप है वही बुजदिल है, तो हम तो उनसे बार बार यही गुजारिश करते हैं कि वो अपनी बुजदिली छोड़ें या अपना नेतृत्व छोड़ें। बुजदिली नहीं छोड़ेंगे तो नेतृत्व छोड़ना पड़ेगा। तो और हम जनता से यही गुजारिश करते हैं SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़ की, कि वो अपने बुजदिल नेताओं को हटाएं, अपने बहादुर नेताओं को, जो अकलमंद नेता हैं, उनको आगे करें, सारी समस्याओं का हल तुरंत हो जाएगा। थोड़ी सी भी कोई बात कहता है अगर उसका नाम मुसलमान है, मुस्लिम अगर कोई है, तो उसके ऊपर UAPA लगा दिया जा रहा है। लेकिन इस तरह के केसेस में बार बार इस तरह के केस आ रहे हैं। नरसिंहन सरस्वतिया, पहले BJP नेताओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, वुमेन कमीशन की जो चेयरमैन है नेशनल की, उन्होंने 3 FIR दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही तो ये सब करवा रहे हैं जी। और उसका सबूत ही सबसे बड़ा ये है, ठीक है, इसमें कोई अब निष्कर्ष निकालने जैसी बात नहीं रह गई। सबूत ही ये है कि ये खुलेआम ये काम कर रहे हैं और पुलिस कोई काम नहीं कर रही उनके खिलाफ। शाहरुख खान के बेटे को तो पकड़ा जा सकता है, इन लोगों को नहीं पकड़ा जा सकता। जो SC ST के लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, उनको झूठे मुकदमों में बंद करा जा सकता है। वो उनके खिलाफ खुद ही जुल्म होते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ, जैसे अभी ये आगरा का केस है,
अरुण वाल्मीकि का केस है, उसमें पुलिस ने उसको ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे में बंद किया, उसकी कोई गलती नहीं थी, और उसको मार भी दिया और उसके ऊपर झूठा मुकदमा भी चोरी का लगाने की कोशिश की। एक तरफ तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उसी तरीके से फैसल जो उन्नाव का केस था, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसी को उठा के पुलिस वाला ले जा रहा है उससे पैसे एक्सट्रॉट करने के लिए, उससे रिश्वत मांगने के लिए, उसी की हत्या कर रहा है, फिर उसी को दिखा रहा है कि उसने चोरी की थी। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो योगी जी बैठे हैं वो उन्हीं के गैंग्स तो हैं, ये जो इलीगल काम कर रहे हैं वो काम करा रहे हैं, जो अमित शाह साहब बैठे हैं उन्हीं के लोग तो हैं जो ये उनके इशारे पे ये सब काम कर रहे हैं। तो जब वही लोग मिले हुए हैं, वही लोग ये सब काम करवा रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो देश की जनता को ही करनी पड़ेगी, पीसफुल प्रोटेस्ट से एक, और दूसरा कानूनी कार्रवाई करके, जो हम लोग सब कर ही रहे हैं। इन वीडियोज़ को लेकर कई दिन, दो दिन से काफ़ी हंगामा है, क्या कोर्ट को कुछ संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देखिए, कोर्ट के चार जो जजेस थे वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं कि हम लोगों पे और बहुत दबाव है, और देश की जनता, जो देश की जनता है उससे गुजारिश कर चुके हैं कि आप लोग आगे आओ और हमें बचाओ। अभी रंजन गोगोई साहब की जो किताब आई है उसने तो और भी पर्दाफाश कर दिया। तो जो रंजन गोगोई साहब कह रहे हैं, उनके जो बातें कही हैं वो भी, और जो नहीं कही वो भी समझ के, और चार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे समझ के, देश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि न्यायालय जो हैं अब उतने आज़ाद नहीं रह गए हैं। जनता को आगे बढ़ के पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपने देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, यही असली सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं। अब ये हाईएस्ट लेवल पे देशद्रोह करने वाले लोग बैठे हैं आज, ये इस बात का सबूत है। होम मिनिस्टर कौन है इस देश का? किसकी जिम्मेदारी है कि भारत जो संविधान के माध्यम से चलता है, जो भारत का संविधान है, उसके खिलाफ कोई भी जाए तो किसकी जिम्मेदारी? सबूत है कि अमित शाह साहब की पुष्ट पनाही पे और उनकी इजाज़त से ही ये सब काम हो रहे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन से ये सब काम हो रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी की कोऑर्डिनेशन से उनकी कोई अलग अलग टीमें अलग अलग काम करती हैं। ये वही लोग करा रहे हैं जो सरकार में बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, वो उन्हीं के गैंग्स तो हैं ये जो इलीगल काम कर रहे हैं, वो काम करा रहे हैं, जो अमित शाह साहब बैठे हैं उन्हीं के लोग तो हैं जो ये उनके इशारे पर ये सब काम कर रहे हैं। तो जब वही लोग मिले हुए हैं, वही लोग ये सब काम करवा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो देश की जनता को ही करेगी। सभी लोगों को जो कि देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, उनको अरेस्ट कराएंगे। सिर्फ एफआईआर कराने से काम नहीं होता, सही धाराओं में अरेस्ट कराना पड़े, आतंकवाद के मुकदमे दर्ज कराने पड़ेंगे इनके खिलाफ, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत को ख़त्म करके कोई दूसरा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो ये देशद्रोही।